देर रात तक जारी रही नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन की आखिरी तारीख होने के कारण कुछ जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए नामांकन। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हुई नामांकन की प्रक्रिया पूरी। कुछ देर रात तक लगे रहे, पूरे जोश के साथ भरा पर्चा। देखे क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि। मेरा नाम ऋतु है और मैं वार्ड नंबर 3 फुलंबी कला नरेला विधानसभा की प्रत्याशी हूँ MCD में। और लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी गरीब लोगों के लिए काम करती है और इस पार्टी के साथ जुड़ के मुझे भी मेरी जो फुलंबी कला की जो गरीब जनता है उनकी आवाज़ मुझे उठानी है। ये जितनी भी पार्टियां हैं इन्होंने जो गरीब कॉलोनियां हैं इनको कुछ नहीं दिया है, इनको सिर्फ लूटा है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी के जरिए हम इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या समस्या है आपकी मेन वहाँ पे देखी जाती है? देखिए, सफाई को लेके बहुत समस्याएं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, लोगों की सुनाई नहीं जाती। वहाँ पे लोग अपनी समस्याएं लेके पहुँचते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो उन लोगों की आवाज़ बनना है मुझे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अनीता गर्ग जैसा हो हमारा नेता कैसा हो, अनीता गर्ग जैसा हो वंदे मातरम, लड़ेंगे जीतेंगे। मेरा नाम ईश्वर सिंह बेरीवाल और मैं वार्ड नंबर 4 से JDU पार्टी से कैंडिडेट हूँ अलीपुर। और मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा नॉमिनेशन हो गया है और हम दमखम से जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और नेक जनता के बीच जाएंगे। हम जो केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, MCD ने जो भ्रष्टाचार किया है उन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जो एक कूड़े के ढेर लगा रखे हैं बाईपास पे, गाजीपुर में, दिल्ली बिल्कुल नरक बना रखा है, उन सब चीज़ों पे मुद्दों पे हम बात करेंगे। और जो शराब नीति रही केजरीवाल सरकार ने, जो सबको लूटा है, सब नशे के आदि बना दिया है सबको, और जो ये MCD में काम नहीं हो रहा, इन सब मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे और बातें करेंगे। और जनता ने साथ दिया तो आने वाले टाइम में 4 तारीख को हम अपना परचम झंडा लहराएंगे। सर, मैं आनंद कुमार खत्री, मैंने बाकनेर वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। जी, मुद्दों पर जो है आप लड़ेंगे? सर, मुद्दे है, अब मैं मतलब एक मुद्दे हैं मेरे गांव में। अगर आप अंडरपास क्रॉस करोगे तो आपको मुद्दा वार्ड में घुसते दिख जाएगा आपको, जो कि पिछले 12 साल से वो रोड नहीं बना वहाँ पे। आप सुबह आओगे तो उसमें कम से कम आपको आधा फुट पानी मिलेगा। पूरे बाकनेर में मेन रोड है जहाँ से कम सिंगू बॉर्डर का जिस टाइम रास्ता बंद था सारा वहीं से ट्रैफिक जाता था, ठीक है। और समस्या हमारे यहाँ नालियों की समस्या सबसे बड़ी। केजरीवाल जी कहते हैं, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम करे, उनके काम गिनवाऊँ? सर, काम है उनके दारू के ठेके खोलना। स्वतंत्र नगर में दारू का ठेका ऐसी जगह खोल रखा है, वहाँ हर आदमी परेशान है, हर आदमी। और पिछले 10 साल से BJP, 5 साल से आम आदमी। आप 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर एक भी काम होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज तक 15 साल में नरक बना रखा है हमारे वार्ड को। अगर मैं आता हूँ तो अपने वार्ड को ऐसा चमकाऊँगा जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली चमकाई। जो आज भी लोग कहते हैं जो मैडम काम कर गई, वो केजरीवाल ने पिछले 7-8 साल में काम नहीं किया है। जी, मैं डॉक्टर अर्चना दिलीप सिंह, हमारे नवनिर्मित वार्ड नंबर 3 होलंबी कला से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। आज पूरे मंडल के साथ हमने बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर आकर के अपना नामांकन भरा है। और दो को लेकर आप मैदान में आएंगे? देखिए, जो मेरा पिछला 5 साल बीता है उसमें हमारे क्षेत्र के अंदर जो मेट्रो विहार क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मेट्रो विहार बहुत अच्छी तरह से सभी गलियां नालियां वगैरह उसकी बन चुकी हैं। और अभी जो हमारा नया वार्ड बना है उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही एक क्लस्टर और जोड़ा गया है जहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि दोनों ही क्षेत्र में अब विकास हो। और जैसे कि पिछली बार फंड की वजह से या कोरोना की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच रहे थे नहीं हुई, उनको भी हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो एक वार्ड है वो बिल्कुल एक ही तरह का बना दिया गया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट भी है। हमारी जीत जरूर होकर निकलेगी। मैडम, जनता का ये कहना है मेट्रो बिहार के निवासियों का कि मैडम अर्चना ने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया है। भाई साहब, आप क्षेत्र में गए नहीं हो क्या? मैं तो जाता क्षेत्र में जाओ आप।
नहीं कौन लोग कहते हैं, एक लोगों के कहेंगे ना, नहीं एक दो लोगों की बात मत सुनिए, आप स्वयं जाइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब एक जनरल सीट पर एक एससी कैंडिडेट को उतारा है ना, मुझे लगता है कि हमारे वार्ड की उसी समय जीत हो गई थी, क्योंकि हमारा वार्ड पूर्वांचली और एससी बाहुल्य है। हमारे यहाँ से जो हमारे हाई कास्ट के सारे लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से मुझे समर्थन देते हुए आगे बढ़ाया है। ये सारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, इन सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है और हम जरूर जीत कर निकलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।